हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। झारखंड के देवघर जिला स्थित बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो बैद्यनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, परंतु भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में यहाँ उनके लाखों भक्त का हुजूम मरता है। यहाँ प्रतिदिन करीब 1,00,000 भक्त आकर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। इनकी संख्या सोमवार के दिन और बढ़ जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलापति रावण ने यह ज्योतिर्लिंग यहाँ लाया था। शिव पुराण के अनुसार शिव ने रावण को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मनोवंचित वरदान दिया था। रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवान शिव ने खुद लंका जाने से मना कर दिया, लेकिन अपने भक्त रावण को ज्योतिर्लिंग ले जाने की सलाह दी। साथ ही यह शर्त रख दी कि उसे अगर रास्ते में कहीं धरती पर रखा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा, वहां से कोई उसे उठा ही नहीं पाएगा। उधर भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे। उन्होंने गंगा को रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। गंगा जैसे ही रावण के पेट में समाई, रावण को तीव्र लघुशंका लगी। वह सोचने लगा कि किसको ज्योतिर्लिंग सौंप कर वह लघुशंका से निवृत्त हो। उसी क्षण ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। रावण ने ग्वाले को ज्योतिर्लिंग सौंप दिया और हिदायत दी कि जब तक वह न आए तब तक वह ज्योतिर्लिंग को जमीन पर न रखे। रावण लघुशंका करने लगा। रावण के उसे निवृत्त होने में काफी देर लग गई। वह जब लौटा तो ग्वाला ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख कर विलुप्त हो चुका था। उसके बाद रावण ने ज्योतिर्लिंग को उठाने की लाख कोशिश की, मगर असफल रहा। उसे खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर उस ज्योतिर्लिंग को विधिवत स्थापित किया और पूजा अर्चना की। काफी दिनों के बाद बैजनाथ नामक एक चरपाहे को इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। वह प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ हो गया। देवघर के बलानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर प्राचीन डॉक्टर मोहना आनंद मिश्र ने बताया कि इस ज्योतिर्लिंग की कथा विभिन्न पुराणों में वर्णित है, किंतु शिव पुराण में यह कथा विस्तृत रूप से वर्णित है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। जिस स्थान पर वह ज्योतिर्लिंग है उसके अनेक नाम प्रचलित है, जैसे हरित की वन, चिता भूमि, रणखंड, रानीश्वर कानन, हृदय पीठ। सावन में कावर लेकर बैद्यनाथ धाम जाने का बहुत महत्वपूर्ण है। शिव भक्त सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहां पहुंचते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। सामान्यतः कावड़िया में जल भरकर चलते वाले भक्तों को बम कहा जाता है, परंतु जो इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उसे डाक बम कहते हैं। यहाँ आपने यहाँ आने वाले लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खासकर बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की उपासना का महत्व रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के कारण है। मंदिर परिसर के चारों तरफ बाजार है और बाबा को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, फूल और प्रसाद मिल जाते हैं। यहाँ का मुख्य चढ़ावा चूड़ा, पेड़ा,
चीनी का बनाया इलायची दाना आदि है, जिसे लोग यहाँ से प्रसाद स्वरूप खरीद कर अपने घर ले जाते हैं।